परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लिंगा प्राथमिक शाला का एक मामला सामने आया है, जहां शासन के निर्देशानुसार 12 जनवरी को सुबह 8 बजे से कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को सूर्य नमस्कार में बुलाने के लिए कहा गया था, लेकिन लिंगा प्राथमिक शाला में पहली से आठवीं तक के बच्चों को सूर्य नमस्कार के लिए बुलाया गया और सूर्य नमस्कार के बाद सभी शिक्षक और बच्चे अपने घर चले गए, लेकिन कुछ बच्चे नदी में पिकनिक मनाते हुए नजर आए। बच्चों से पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्हें सर पिकनिक के लिए लेकर आए थे और बच्चों को नदी के पास छोड़कर खुद नदारद हो गए। वहीं इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 12 जनवरी को प्राथमिक शाला लिंगा के शिक्षक बच्चों को पिकनिक के लिए लिंगा नदी लेकर गए थे, जहां पर नदी में बच्चे खेलते हुए दिखे और शिक्षक वहां से नदारद रहे, जिसमें बच्चों ने कहा कि शिक्षक तो घर चले गए हैं, ऐसे में अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर ऐसे ही शिक्षक बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने लगे तो कोई भी परिजन अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा। माध्यमिक ने बच्चों को बुलाना था, परंतु एक परिसर एक साल होने की वजह से दर्शक के रूप में हमने शायद है मैडम जी ने बताया होंगे प्राइमरी वालों को कि वो भी आए या ना आए, लेकिन इसकी जानकारी नहीं मेरे को। शासन से निर्देश से क्या था कि कौन सी क्लास? शासन से तो निर्देश था 6 से 8 तक के बच्चे, ऊपर के बच्चे वालों का। जी, तो क्या यहाँ पे छोटे बच्चों का स्कूल लगा है? आज वाले दर्शक के रूप में आए थे वो लोग बच्चे, यानी सवेरे कौन थे वाले? प्राइमरी के और मिडिल के तो आई थे यानी। जी, तो प्राइमरी वाले बच्चों को स्कूल लगाने का था कि नहीं? आज नहीं, स्कूल लगाने का था, परंतु एक परिसर एक साल होने की वजह से हो सकता है कि हमारे HM ने उनको बोले होंगे, इसकी जानकारी नहीं मेरे को। जी, HM कौन है आपके? यहाँ पे श्रीमती अरुणा तिरकुड़े, लिंगा का नाला हट्टा रोड पे, वहाँ पे 10 छोटे छोटे जो बालिका हैं वो खेलते नजर आई हैं, और सर घर को अगर से कोई दुर्घटना हो जाएगी इसका जिम्मेदार कौन है? देखो, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि किसने ले गया था, किसके माध्यम से वो बच्चे वहाँ गए और किस स्तर से गए थे। सर बच्चे बता रहे थे कोई सेंडे सर हैं। अच्छा, उनका पूरा नाम क्या है आप बताएंगे? आप यहाँ पे हैं वो? हाँ, उनका नाम है सुरेंद्र प्रसाद सेंडे। जी, पहली से आठवीं तक के जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो सभी चले गए हैं यहाँ से? हाँ, अभी वर्तमान में तो है नहीं यानी। जी, कितने बजे चले गए सभी लोग? वो 1:30 बजे के लगभग करीबन, अंदाज तो घड़ी तो नहीं देख पाया मैं यानी। प्रीति, कहाँ रहते हो? लिंगा। लिंगा, कौन सी क्लास पढ़ते हो? तीसरी। ऊपर देखो, कौन से स्कूल है आपकी? प्राइवेट। प्राइवेट स्कूल है क्या सरकारी है? सरकारी भी है, प्राइवेट। सरकारी स्कूल पढ़ते हो, क्या नाम है स्कूल के आपका? ये नाले में क्या? हम पिकनिक गए थे तो गंजी धुल रहे थे। क्या कर रहे थे? पिकनिक गए थे तो गंजी धुल रहे थे। किन्ने गंजी धुलने बोला था? हम ही धुल रहे। आप ही धुल रहे हो? किसके साथ आए थे पिकनिक? सर। कौन से सर? संडे सर। संडे सर, और हम लोग कितने बच्चे हो? 10। 10 बच्चे, और सर कहाँ हैं? सर चले गए। कहाँ गए? घर। घर चले गए। स्कूल कितने बजे लगता है? 10 बजे लगता है। और आज छुट्टी क्यों हो गई जल्दी? आज सूर्य नमस्कार था। सूर्य नमस्कार था इसलिए स्कूल भी बंद हो गया। हाँ, तो आप लोग को अकेला छोड़ के चले गए सर? हाँ। बच्चे लोग को? हाँ। और कोई मैडम आई थी क्या? नहीं, सॉरी सॉरी। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।